जो मोटर बोट थी उस मोटर बोट को उन्होंने घेरा, अचानक से उनकी बोट को उन्होंने पंचर किया। उनके पास धारदार हथियार थे, कुल्हाड़ी थे, चाकू थे, सब चीन के जो सैनिक हैं अपने साथ लिए हुए थे और अचानक से उन्होंने फिलीपींस के सैनिकों पर समंदर में हमला कर दिया। न सिर्फ अटैक किया बल्कि जो बंदूकें फिलीपींस के सैनिकों के पास थी उनको लूट लिया, बोट से जो सामान था वो सामान चुरा लिया। चीनी सैनिकों ने ऐसी हरकत की, मान लीजिए जैसे कोई वो किसी देश की आर्मी नहीं हो बल्कि समुद्री लुटेरे हों, इस तरह की हरकत की है। फिलीपींस की ओर से बाकायदा जो हमला हुआ है चीन की तरफ से, उस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है और इन वीडियोज़ में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कैसे चीन के सैनिकों की ओर से अटैक किया गया। फिलीपींस के जो सैनिक थे वो अपनी बोट में गश्त कर रहे थे, इसी दौरान चीन का बेड़ा उनके पास आता है, उसमें से चीनी सैनिक उतरते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, कुल्हाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपको गलवान अगर याद होगा तो एग्जैक्टली वैसे ही जो स्थिति थी वो यहाँ पर बनती हुई देखी गई। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फिलीपींस की तरफ से सामने आई हैं, जिसमें चीन के जो सैनिक हैं वो कुल्हाड़ी से हमला कर रहे हैं, राइफल लूट रहे हैं। देखिए ये देखिए कैसे, ये देखिए ये चीन के सैनिक है, हाथ में कुल्हाड़ी आपको दिखेगी, कुल्हाड़ी लेकर। ये जो दूसरी बोट है ये फिलीपींस के सैनिकों की, इसको फिर से आप देखिए, दो बोटें सामने दिख रही हैं, एक तरफ फिलीपींस के हैं, मैं इधर हो जाता हूँ, ये जो बोट है ये फिलीपींस के सैनिक हैं इसमें सवार है, इस बोट में चीन के सैनिक है। अब आप देखिए जो फिलीपींस के सैनिक हैं उनकी बोट को तीनों चारों तरफ से घेरा हुआ है, इधर भी चीन की बोट है, उस साइड में भी चीन की बोट है, पूरी तरीके से चारों तरफ से पहले घेर लिया और घेरने के बाद अटैक किया फिलीपींस के जो सैनिक हैं उनके ऊपर। और देखिए कैसे कुल्हाड़ी दिखाकर पहले डरा रहे हैं। इस दौरान फिलीपींस के सैनिक जो थे वो लगातार उनका मुकाबला भी कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे और इसी वीडियो को बाद में जारी किया गया फिलीपींस की तरफ से, जो कि वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फिलीपींस की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया। एग्जैक्टली इन तस्वीरों को देखकर आपको गलवान की वो तस्वीरें याद आई होंगी, जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की थी लेकिन कैसे हमारे देश के जांबाज जवानों ने चीन के सैनिकों को पीछे धकेल दिया था, मार मार के पीछे भगाया था। एग्जैक्टली उसी तरह की हरकत यहां पर भी की है। इन तस्वीरों को एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी आपको लाल जैकेट में दिखेंगे ये सब चीन के सैनिक हैं और बीच में फिलीपींस के सैनिकों की बोट फंसी हुई है। इन्होंने पहले घेरा, डराया, उसके बाद कुल्हाड़ियां लेकर, चाकू लेकर, धारदार हथियार लेकर ये लोग फिलीपींस के जो सैनिक हैं उनकी बोट पर आ गए और वहां आने के बाद जो गन्स वगैरह रखी हुई थी, एम्यूनिशन जो था, जो हथियार थे उनको लूट लिया और फिर फिलीपींस के सैनिकों की बोट को पंक्चर कर दिया, क्योंकि अमूमन गश्त वगैरह करने के लिए बोट्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें रबर लगा होता है साइड में ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके, उसको पंक्चर कर दिया। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान जो फिलीपींस के सैनिक हैं उनमें से एक सैनिक का अंगूठा भी कट गया, ये भी जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें भी हैं साथ में, क्या कुछ हुआ वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूँ। चीन बाज नहीं आ रहा है, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के सैनिक भिड़े, चीन ने फिलीपींस के सैनिकों पर कुल्हाड़ियों से वार किया, फिलीपींस के बोट के ड्राइविंग केबिन को तोड़ दिया, झड़प के दौरान चीनी सैनिकों ने बोट से लूटपाट भी की है। फिलीपींस नौसैनिक के ऊपर इस तरीके का ये अटैक किया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो यहीं पर आएंगे और मैं उनसे इसी बात को लेकर सवाल करूंगा। सोढ़ी साहब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आप किस तरीके से चीन के इस अटैक को देख रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर को चीन अपनी बपौती मानता है, ये शब्द मुझे लगता है मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीन बपौती मानता है और इसीलिए इस तरह की हरकतें करता है। अब फिलीपींस उसके निशाने पर है, ये बिल्कुल समुद्री लुटेरों वाली हरकत है, ये फिलीपींस ने कोर्ट भी किया है। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साउथ चाइना सी चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में चीन और फिलीपींस के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। साउथ चाइना सी वो इलाका है जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और इससे दुनिया का 22% का व्यापार होता है। ये साउथ चाइना सी से 10 देश जो उसके आसपास हैं, जिसमें चीन, ताइवान, फिलीपींस, जापान जैसे देश हैं, ये उनके लिए मुख्य स्रोत है व्यापार होने का और चीन चाहता है कि वो साउथ चाइना सी पे पूरा कब्जा करे। 8 जुलाई 2013 विन वीपू जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें जंग नंबर 1 का जिक्र है कि ताइवान के साथ चीन का युद्ध होगा, जिसकी पुष्टि पिछले साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी
CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की 3 फरवरी 2023 को। और इसी श्रृंखला में दूसरा जंग है स्प्राटले आइलैंड्स के लिए, जो कि चीन युद्ध करेगा स्प्राटले आइलैंड्स पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि एक बार वो स्प्राटले आइलैंड्स पे कब्जा कर लेता है तो पूरा साउथ चाइना सी उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। और यही चीज फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश होने देना नहीं चाहते, और फिलीपींस सबसे इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सर, और यही बात शायद अमेरिका भी समझता है, इसलिए अमेरिका के भी जो विध्वंसक बेड़े हैं वो लगातार इस एरिया में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। 1951 में फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक ट्रीटी भी हुई थी कि अगर दोनों में से किसी पर भी कोई इस तरह से अटैक करेगा या उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या ये जो हरकत की है अब चीन ने, इस पर अमेरिका की तरफ से कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से चीन के प्रभुत्व का विरोध करता रहा है साउथ चाइना सी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल के महीने में फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को 4 और सैनिक अड्डों पे अनुमति दी कि वो अपने सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। पहले 5 थे और पिछले साल अप्रैल में 4 और हो गए। टोटल 9 मिलिट्री बेसेस हैं फिलीपींस में जहां पे अमेरिका सेना के सैनिक तैनात हैं। अब इसमें से एक है द्वीप जिसका नाम है लुजोन, और लुजोन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ताइवान से सिर्फ 793 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि ताइवान से जापान की दूरी 2163 किलोमीटर है और साउथ कोरिया से ताइवान की दूरी 1506 किलोमीटर है। यानी कि जब भी चीन ताइवान पे हमला करेगा तो लुजोन, जो कि फिलीपींस में है और ताइवान के सबसे नजदीक है जहां पे अमेरिकी सेना के सैनिक तैनात हैं, वो सबसे पहले पहुंचेंगे ताइवान की मदद करने के लिए। और यही चीज चीन को बहुत गुस्सा दे रही है पिछले साल से, और तभी हम देख रहे हैं कि पिछले साल से चीन और फिलीपींस के बीच में जो तनाव है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, अमरीका ने जो 9 सैनिक बेसों पे फिलीपींस में अपने सैनिकों को तैनात किया है, वो इसीलिए किया है कि अगर चीन हिमाकत करेगा चाहे ताइवान पे चाहे साउथ चाइना सी पे, तो अमरीकी सैनिक वहां तुरंत पहुंच के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन क्या है, सारी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में।